हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तार कैसे हो आप सभी लोग? अरे यार भाई मेरा इंट्रो मत बिगाड़ भाई, हट हट साला। पता नहीं भाई इसको क्या प्रॉब्लम, पर कब से भाई मेरे को परेशान कर रहा है, इंट्रो ही नहीं बना दे, मैं कुछ किया भी नहीं था। एनीवे सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अरे मेरे को नीचे छोड़ भाई। भाई यार तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे मेरे से बेफालतू भाई, मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं पता भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, बट बेफालतू परेशान कर। एटलीस्ट इंट्रो तो बनाने दे भाई, उसके बाद तेरे को जो करना है कर, बट इंट्रो तो बस यहाँ पे सिर्फ अभी नहीं आना चाहिए भाई, कहीं से भी टपक जाता है पागल। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सभी लोग? उठा लिया लगाई था। अरे भाई भाई मत करना यार, क्या कर रहा है भाई, इसको क्या हो गया भाई, ये मेरे को क्यों परेशान कर रहा है भाई? इसीलिए बोलता हूँ भाई, दो बूंद पोलियो की खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसा हाल होता है। पता नहीं भाई क्या कर रहा है, बस होपफुली यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एनीवे सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली यार सभी लोग बढ़िया होंगे, और ये एड़ा भी अभी आया नहीं नसीब मेरा। सो आज के इस एपिसोड के अंदर गाइस कुछ अलग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ आज हम लोग करने वाले। और इससे पहले इस चैनल पे आपने ये चीज़ कभी भी नहीं देखी है जो आज हम लोग करने वाले। तो आज हम लोग करने वाले गाइस डोडोस की रंबल, जी हाँ डोडो की आज हम लोग फाइट करने वाले। और इस वीडियो के अंदर बहुत लोग मेंशन है, तो मैं आपको आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये आइडिया बिल्कुल भी मेरा नहीं था, ये आइडिया राहुल भाई का था, और ये दोनों पता नहीं ये आइडिया क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो जाने दो। तो आगे सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, और मेरे को ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है वरना वीडियो काफ़ी लंबी होगी, और हैरी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, रुक बेटा। एंड हाँ, जिन लोगों ने अब तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लोग 1K हिट करने वाले, तो भाई डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और अब बता बेटे लेगा पंगे हैं? अब लेगा पंगे साला? कब से भाई मेरे को बनाने ही नहीं दे रहा। अबे इसके ऊपर कैसे गिर गया? मैं बोला नीचे गिर गया। तेरे को क्या लगा बेटे, तेरे को सैडल से नहीं निकाल सकता मैं? बेटे तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं तेरे को पूरा मार के रहूंगा हैरी। भाई तुमने देखा ना यार, एक इंट्रो नहीं बना दे स्क्रीन पे, तो फिर भी 2 मिनट का लग रहा था, 5 मिनट से तंग आ रहा है मेरे को। कहाँ गया ये जो भाई इतना कोप चुप रहा है? तो तेरे को क्या लगता है मैं देख नहीं सकता भाई? लेगा पंगे नहीं? अभी तू बोल लेगा पंगे तू मेरे से हैं? अरे कब से मेरे को परेशान कर रहा है? तेरे को पता है मेरे को कितना दुख हुआ इंट्रो बनाते हो, इधर एक इंट्रो बनाते बनाते फट जाती है मेरी। भाई तू मेरे को ऐसे परेशान करता है, रुक भाग किधर रहा है तू, भाग किधर रहा है? इसको मैं चाहूँ ना भाई तो बहुत ऊपर से फेंक सकता हूँ, लेकिन ये चीटिंग करता है भाई। ये क्या करता है भाई, मेरे आरजी की इन्वेंट्री होल्ड कर देता है, और उसमें से सैडल ही निकाल लेता है, तो भाई मेरे भी बांधे लग जाएंगे, तो इसलिए मैं फटाफट करते रहता हूँ। बट पानी के अंदर क्या चुप रहा है तू, बाहर आज तू सिर्फ बाहर आ साले, नहीं तेरे को मैं जाके गीगा के सामने छोड़ के आया ना, तो नाम का मिथिक एक्स नहीं मैं भी। तो चलो भाई मेरा फर्स्ट डोडो तो यहाँ पे टेम हो चुका है। एंड हाँ, अभी सीन ऐसा है कि देखो वाइपर, हैरी, राहुल एनी सभी के सभी लोग डोडो टेम में लगे हुए हैं, क्योंकि कल हम लोग का टूर्नामेंट है, डोडो रंबल होने वाली है, तो कल डोडो की फाइट है, तो इस वजह से हम लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये देखो ये भी मेरा डोडो यहाँ पे टेम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, फिर हम लोग टूर्नामेंट के रेडी हो जाएंगे। रैप्टर, अबे भाई ये कहाँ से आ गया? अबे भाई हट हट हट, दूर भाग मेरे से, दूर भाग भाग, अरे पता नहीं कहाँ से है, पता नहीं भाई कहाँ से आ गया, ताला बेफालतू परेशान करने आ जाते। तो अभी सभी के सभी लोग भाई डोडो टेम करने में व्यस्त हो चुके हैं, और मैं ज़्यादा डोडोस की क्लिप नहीं डाल रहा, बिकॉज मेरे को वीडियो लंबा नहीं करना है ज़्यादा। मैं 20 मिनट भी नहीं डालता, एक्चुअली मैं 15 मिनट का डालता हूँ तुम लोग को। ओके चलो ये हो गया, तो तुम लोग को पता होगा अपन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं डालते, बट हाँ भाई अभी टूर्नामेंट पूरी कवर करनी है, तो 20 मिनट का तो डालना ही पड़ेगा ना। और हैरी वगैरह अभी सभी लोग लगे, पता नहीं वो दोनों कहा है भाई, कब से परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा भाई कि मैं उनका जाके डोडो मार दूँ, बट वो दिख ही नहीं रहे मेरे को। और भाई रुको, इनको मेरे को ये करने, तो स्टॉप यहाँ पे, वरने भाई फॉलो भी लो होने लगते। ये देखो भाई 194 लेवल का डोडो मेरे को बहुत नसीब से ढूंढने के बाद मिला, और भाई ये टेम उनके आई थिंक 250 लेवल तक तो चला जाएगा, तो भाई कल की टूर्नामेंट तो भाई सिर्फ हम ही लोग जीतने वाले, और भाई जीत भी कौन सकते, तुम्हारा भाई जीतने वाला है, तो बस अब इंतज़ार है कल का। इतना प्यारा थीम सॉन्ग चलने के बावजूद अब तक यहाँ पे मैच शुरू नहीं, ओ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ओके तो फाइनली यहाँ पे मैच शुरू हो चुकी है, और हैरी का डोडो रेक्स यहाँ पे जाते हुए राहुल को मार रहा है। ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, मैच के पहले ये क्या शुरुआत कर दिया तुम लोग ने भाई, पता नहीं भाई हैरी का डोडो रेक्स यहाँ पे राहुल को मार रहा था पता नहीं। ओके तो फाइनली डोडोज की फाइट यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ये वापस जा रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यार, ये देखो भाई ये देखो राहुल को मारने। गाइज यहाँ पे कहानी में एक इंटरेस्टिंग सा मोड आ चुका है, पता नहीं ये लोग अपने ऑपोजिट ओनर्स को मारने को जा रहे हैं, पता नहीं मेरे को ये क्या स्कैम हो रहा है, बट इन लोग ने पहले ही मेरी बेइज्जती करवा दी। और ये देखो भाई ये तो भाई छोड़ ही नहीं रहा राहुल को, राहुल से भाई इसको पर्सनली कुछ लगा हुए भाई, इन लोग ने यार शुरुआत में बेइज्जती करवा दी मेरी।
ये देखो भाई, ये अब तक नहीं छोड़ रहा भाई राहुल को, इसको सच में यार पर्सनल लगाव है राहुल से, पता नहीं क्यों। सो गाइस, वापस से हम लोग इस मैच को शुरू करने वाले, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से हमें मैच को रोकना पड़ा। तो भाई डोडो अपने ऑपोजिट ओनर्स को मारना शुरू कर देते, पता नहीं क्यों। तो चलिए इस मैच को वापस शुरू करते हैं। तो चले गए जिस डोडो रंबल की पहली खतरनाक और भयानक मैच को यहाँ पे शुरू करते हैं। सो 3, 2, 1 प्रतिघात। और कितनी बेइज्जती कराओगे भाई, शुरू कर दो। ओ तो फाइनली यहाँ पे हमारे डोडोज की फाइट शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे आप ये देखो, ये वापस होने के पास भाग रहा है। सो यहाँ पे हमारे फाइनली डोडोरेक्स राहुल के डोडो पे हावी होते हुए, और यहाँ पे एक खतरनाक सी फाइट तुम्हें देखने मिलेगी। तो इस फाइट का तुम लोग गाइज मजा लो, और मेरी कमेंट्री तो भाई तुम लोग सोच रहे रुकने वाली तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को रुकने की आदत नहीं है, मतलब मैं बोलते ही रहता हूँ। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गाइज कि इस डोडोरेक्स की सिर्फ 179 हेल्थ बचते हुए, और जबकि वो कहाँ गया भाई, अभी वो कहाँ पे गया यार, अच्छा वो देखो वहाँ पे, हाँ वो देखो वहाँ पे गाइज, उन दोनों की तगड़ी फाइट आपको दिखती हुई, तगड़ी तो नहीं कह सकते बट तगड़ी है। और इस डोडो की हेल्थ मेरे को देखने, इसकी अभी भी 750 हेल्थ बाकी, भाई मजाक हो रहा है ये। तो इसका मतलब गाइज हैरी के डोडो रेक्स की जीतने के चांसेस लगभग 0.0001% है सिर्फ। और यहाँ पे इसकी सिर्फ 50 हेल्थ बचते हुए, तो ये आई थिंक मरने वाला है। और यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे हैरी का डोडो फाइनली हार चुका है, तो हमारे फर्स्ट मैच के विजेता है गेमिंग विद राहुल। तो वापस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और खतरनाक मैच के अंदर, जहाँ पे मैं लड़ने वाला हूँ एनी के साथ। और मेरा देवसेना अभी मैच के अंदर, जी हाँ तुमने सही सुना, मेरा देवसेना मेरी नहीं, बिकॉज वो एक मेल है, और भाई उसका नेम सोचने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। पहले मेरे को ऐसे बाहर जान दो, क्योंकि एक डोडो अंदर से मेरे पीछे पड़ गया था, वो बोल रहा था भाई तू ऊपर से मैच देख, तू नीचे रहेगा तो पक्का चीटिंग करेगा। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हमारे देवसेना यहाँ पे अच्छे से लड़ते हैं, बट अब तक कुछ लड़ते हुए दिख ही नहीं रही एक्चुअली। ओए देवसेना भाई कुछ उखाड़ ले, क्या कर रहा है तू। और यहाँ पे देखो गाइज हमारे पास पब्लिक भी है, एक्सक्यूज मी, ओए हटो भाई हटो, मेरे को देखने दो। तो हमारी पब्लिक भी हमारे साथ भेड़ बकरियों की तरह जमा है। और ये देखो भाई हमारा फाइनली देवसेना अटैक कर रहा है। देवसेना भाई फाड़ दे, वाट लगा दे देवसेना, छोड़ना नहीं बिल्कुल। ये मैच हमें जीतनी है, राहुल की टीम एक ऑलरेडी मैच जीत चुकी है, तो भाई इस बार हमें जीतना है। मार देवसेना, क्या कर रहा है यार, फट्टू जैसे यार कर, ये सिखाया मैंने तेरे को 381 लेवल का, ओके घंटा कुछ नहीं उखाड़ रहा तू। रुको गाइस मेरे को इसकी हेल्थ देखने, तो पता नहीं इसकी हेल्थ कितनी बची है, अच्छी खासी हो तो नसीब। ओके तो हमारे देवसेना की अभी भी 600 हेल्थ बची है, तो भाई भाई वो बम से मार रहा है यार देवसेना, तू कर क्या रहा है। हमारे देवसेना के यहाँ पे 600 हेल्थ बची है गाइस, तो आई थिंक हमारा देवसेना जीत जाएगा, होपफुली जीत जाए। यार देवसेना वो बम से मार रहा है भाई, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा। सी देवसेना ये क्या यार, मेरे को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थे तेरे से। ओ गाइज हमारा देवसेना भी यहाँ पे बम अटैक सीख चुका है। गाइज हैशटैग देवसेना ओपी इन द चैट यार, हैशटैग देवसेना ओपी इन द चैट हो जाना चाहिए। और ये देखो भाई हमारा देवसेना काफ़ी ओपी है यार, इसने तो भाई कुछ तो तोड़ दिया, मेरे को वहाँ से देखना पड़ेगा। और मैं खुश हूँ भाई हमारा देवसेना बम अटैक भी सीख गया। और ये देखो भाई कितना पास, ओ भाई सिर्फ तोड़ना ही नहीं है भाई, मैच में भी खेल ले कुछ, तू सिर्फ तोड़ रहा है, टट्टी कर रहा है सिर्फ। सो गाइस एग्रेसिव करने से कोई फायदा नहीं हो रहा था, बेफालतू एक दूसरे के पीछे जा रहे थे डोडो। तो अभी हम लोग ने इनको टारगेट किया, तो होपफुली से डाइवर्ट ना हो, लेकिन भाई बाकी डोडोस भी आने वाले। तो भाई गेट बंद करो, गेट बंद करो, ये देखो भाई टेरनोडॉन वगैरह सारे लोग आ गए भाई, माने को टेरनोडॉन नहीं पेट्रोडॉन ही बोलेगा मैं तो भाई। तो ये देखो भाई सारे, अच्छा ये राहुल कौन बैठा है इसके ऊपर, अच्छा राहुल बैठा है पता नहीं। सो ये देखो गाइस हमारे डोडोस के यहाँ पे फाइट शुरू हो चुकी है, और भाई डोडो देवसेना अभी तू खत्म कर दे भाई, 2 मिनट में सारा काम खत्म कर दे देवसेना यार, मेरे जिगर का टुकड़ा है भाई। 381 लेवल का है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 500 का डैमेज है इसका, और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। ये एक्चुअली मेरा नहीं था, लेकिन ये मेरा हो गया, तो कोई बात नहीं। इसकी हेल्थ देखने तो मेरे को, ओ सिर्फ 649 देवसेना, तू कर सकता है भाई, बहुत बच्चा है ये, एनिको डोडो को तू हरा सकता है भाई, ये बहुत बच्चा डोडो, और इसकी स्केल देख यार देवसेना, खत्म कर दे ऐसे इचड़ पिचड़ कर दे भाई, अकड़ बकड़ खींच के बकड़, हैया तोड़ साले को हैया भाई। देवसेना मार मार, देवसेना मार, खत्म कर दे भाई, बस थोड़ा सा और देवसेना, बस होने ही वाला है जस्ट थोड़ा। ओके सो एक फाइनल स्ट्राइक की बारी देवसेना, आर यू रेडी। सो प्रतिघात म्यूजिक गाइस, हमारा देवसेना, ए मेरे को क्यों मार रहा है भाई। मेरा पहले ही देवसेना चला गया उसमें, मैं दूं और हाँ नसीब भाई, थैंक्स ब्रो। गाइस ये देखो हमारा देवसेना अभी नहीं रहा, मैं यार मेरी इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट हमारा देवसेना अभी इस दुनिया में नहीं रहा।
बहुत बुरी तरीके से एनी के डोडो ने इसको मार दिया है। ए, ए, इसको हवस में कौन है फ्यूरी के ऊपर? हैरी नूब, हैरी है ना, नूब कहीं का भाई, मेरा प्यारा देवसेना को मार रहा था। गाइस देवसेना और मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है, बेचारा देवसेना के साथ मैंने पूरे 6 मिनट गुजारे थे। देवसेना और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे गाइस, मैंने एक्चुअली देवसेना मेरा नहीं था, ये मैंने वाइपर से चोरी किया था और नेम चेंज करके देवसेना बना दिया था। बट फिर भी हमारा देवसेना भी इस दुनिया में नहीं रहा। देवसेना मुझे बहुत पसंद है यार, तुम बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए। गाइस प्लीज़ मेरे देवसेना को श्रद्धांजलि देने आ जाओ। देखो मेरी रिक्वेस्ट पे सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो देवसेना तू मुझे बहुत ही है भाई। हैरी नूब भाई हविश कर दिया, फिर भी हम लोग इसको भाई हम लोग इसको थैंकफुल रहेंगे, हम इसे श्रद्धांजलि फिर भी देंगे। गाइस देवसेना तू मुझे हमेशा याद रहेगा भाई, मैं तुझे हमेशा याद करूँगा। और थैंक्स गाइस मेरे कहने पे देवसेना की इसके लिए आने के लिए। हैरी नूबड़े तेरे को मैं अलग से बताऊंगा, साले मेरे देवसेना का श्राद्ध बिगाड़ दिया तूने पूरा। सो गाइस एक और मैच के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पे गाइस मैं देवसेना को बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन वाइपर मेरा बदला लेने वाला है और इस बार राहुल की टीम के डोडो को वो अच्छा सबक सिखाएगा। शुरू कर ले भाई, हर बार इज्जत उतारना जरूरी है। सो गाइज मेरे को वाइपर पे पूरा भरोसा तो नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा वाइपर मेरे को जिताएगा, बट फिर भी गाइज मेरे को लगता है वाइपर मेरा बदला जरूर लेगा मेरा देवसेना। चलो कोई नहीं गाइज, ज़्यादा इमोशनल होना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, मेरे पास ज़्यादा आंसू नहीं बचे मेरे इसी में। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये किसका डोड़ है। अच्छा ओके, अबे ये स्कोप में तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई मेरे को यहाँ पे गाइज। ओ भाई साहब इसके डोडो की हेल्थ देख रहे हो तुम लोग, हमारे डोडो के मुकाबले क्या हेल्थ है बे। गाइज यहाँ पे कुछ ज़्यादा, ये कौन है बे, कौन फड़फड़ा रहा है बे नीचे, क्या चल रहा है भाई नीचे। गाइज यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हमारे डोडोज की तगड़ी फाइट होते हुए, और यहाँ पे हमारा क्या नाम है इसका भाई, वाइपर का डोडो यहाँ पे गंदा मार खाते हुए आई थिंक, पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं रहा है कौन सा डोडो किसका है। तो कॉमेंट ही तो भाई दूर की बात है, मेरे को समझ ही नहीं रहा है डोडो किसका है कौन सा। मारो भाई तोड़ दो, एक दूसरे को तोड़ दो, तोड़ मोड़ के जोड़ दो, मैं तो कहता हूँ ओनर्स को भी मार दो, कोई जरूरत नहीं दुनिया को इनकी भाई, लेके जाओ भाई। ए कौन है भाई ये, अबे मर गया। म्यूजिक हर बार ना भाई हमारी टीम का करता है, और भाई पर भाई तेरे से ज़्यादा देर मैच में टिका है पता है मैं। हाँ भाई तुम लोग कर लो यार हमारे हार पे चेयर्स कर लो, कभी ना कभी हमारे भाई अच्छे दिन आएंगे। बट एनीवे गाइस हमारा डोडो रेक्स भी यहाँ पे नहीं रहा, और भाई तेरे से सच में ज़्यादा देर टिकता हूँ मैच में पता है मैं। कहाँ से लेके आया था भाई, कौन से ग्रह से लेके आया था तू, चांद से लेके आया था क्या डोडो को? हाजी भी नल्ला डोडो था भाई। और वो गाइस अभी मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये है वो जुल्मी गाइस डोडो जिसने हमारे सारे डोडोस को मार दिया, और हमारे बाकी डोडोस तो पता नहीं कहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे लगता है ये डोडोस भी डर गए। ओ भाई अचानक से इनमें हिम्मत कैसे है, रेडबुल पी ली क्या तुम लोग ने? गाइस हमारे सारे डोडोस यहाँ पे डरे हुए अभी, और पता नहीं अभी हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं, बहुत हार्ड है। सो गाइस वापस से हमने एनी को चैलेंज किया मैच के लिए, बिकॉज मेरे को लगता है हम लोग इस बार जीत जाएंगे कि नहीं भाई। ओ भाई हेलो साले कैसा डोडो है भाई, अबे अभी तो शुरू ही थी मैच उससे पहले ही मर गया, ये कैसा है भाई डोडो भाई, ये गलत ही स्कैम है भाई, एक फटके में उड़ा दिया भाई नल्ले नूबड़े डोडो 212 लेल का। अबे आना नखरे, नहीं आना तो भाड़ में जा भाई, मेरे को नहीं उठाना, इधर ही मरा पड़ा नहीं उठा। हाँ भाई जा रहा हो बाहर, लो लगा लो भाई दरवाजा। सो गाइस इतनी ज़्यादा मैचेस हारने के बाद अब एक फाइनल मैच हम लोग करने वाले, और इस मैच में होपफुली हम लोग जीत जाए। तो इस मैच का ऐसा है कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही विनर होने वाला है। सो इस मैच में हमारे ऑपोजिट है राहुल एंड एनी, और मेरी टीम में होंगे मैं और मेरे साथ दो नूबड़े होंगे वाइपर एंड हैरी, और मेरे को लगता नहीं वो लोग मेरे को जिताएंगे, क्योंकि एक नूबड़ा तो तुम लोग देख सकते हो पोल के ऊपर चढ़ के बैठा है, और भाई मेरे डोडोस को ये देखो भाई, इसको देखो भाई ये ऊपर चढ़ के बैठा है बस, और मेरे डोडोस को देख के लगता नहीं कि ये लोग मेरे को जिताएंगे, और वाइपर भी आई थिंक ऊपर चढ़ गया। सो गाइस होपफुली कि ये मैच हम लोग जीते, जबकि इन डोडोस की शक्ल और टकले को देख के मेरे को घंटा नहीं लग रहा कि ये लोग मेरे को जिताने वाले। सो गाइस इस बार हमारा सच में बहुत ज़्यादा पल्ला भारी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनका एक डोडो बचा है और हमारे तीन डोडो, तो हमें जीतने की आशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली अभी लोग ये कहाँ से आ गया, ओए ये ओ भाई ये डोडो जिंदा है, मेरे को लगा ये लोग मर गए, अबे ये लोग कोपचे में। गाइस
अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इनका एक डोडे हमारे तीन डोडे पे भारी पड़ जाता है। अभी ये दो और आ गए तो पता नहीं क्या सीन होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे मेरे को पता नहीं अभी क्या सीन होगा। भाई मेरे को लगा इनका एक डोडो बचा, मैं तो खुश हो गया, मैं बोला फाइनल हम लोग जीत गए। ए पागल डोडो उनको मत मार, अरे उनको मत मारो, अरे भाई उनको मत मारो भाई, एक झापट के नहीं हो तुम लोग भाई, उनको मत मारो भाई। गाइज यहाँ पे एक दिलचस्प मोड आ चुका है, दिलचस्प नहीं बेवकूफ़ी वाला मोड आ चुका है जहाँ पे सारे डोडोस का दिमाग खराब हो गया। वो टेरनडॉन पेट्रोडॉन को मार रहे भाई, लो भाई गया एक। गाइज ये चीटिंग है, उनके पेट्रोडॉन ने किसी ने तो हमारे एक डोडो को मार दिया है। और भाई ऐसे हमारे वाह, ये तू क्या कर रहा है भाई, ये अलग ही नशे चल रहे। गाइज सबको शांत करा के वापस आ रहा हूँ भाई, बहुत बसड़ हो। ए ये बाहर क्या कर रहे हो, कुछ चीटिंग वीटिंग चल रही है क्या बाहर, बाहर क्या कर रहे थे तुम भाई। एक सेकंड में कोई डोर बंद कर रहे, ए बंद हो जा भाई। सो गाइज यहाँ पे वापस हम लोग मैदान में आ चुके हैं, यहाँ पे फाइट चल रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे डोडो जीत जाएंगे क्योंकि 2v2 चल रहा है और हमारा एक ही डोडो यहाँ पे बचा है, लेकिन हमारा एक डोडो किसके गए। हर एक बार हम लोग ये हारते हैं यार, यार गाइस हम लोग फिर से हार गए। ए ओ भाई ओ फ्यूरी को मारो मत, ओ भाई मारा तुम लोग पावरफुल है फ्यूरी। अच्छा आ जा फ्यूरी, आ भाई अंदर आ, इनको ज़रा बता ज़रा, इनको बहुत लग रहा है भाई, मार इनको ज़रा, दो तीन झापट दे दोनों को। हमारे सारे डोडोस को मार दिया, दो दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सारी मैचेस हार गए, तो भाई अब बारी सज़ा की जो कि पहले तय हो चुकी थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। और भाई ये तो पहले ही नंगा हो गया, इसको तो पता था भाई, पहले से घर से देखे सोच के निकला था कि हम लोग हारने वाले। अरे यार नू ब्यास, कोई नहीं गाइस, तो सज़ा है कि मेरे को अभी कपड़े उतारने होंगे, डोडोस मेरी मारेंगे, मतलब डोडो मुझे मारेंगे। सो भाई लो मैं कपड़े उतार के रेडी हूँ भाई, डोडो मार लो मेरी। ए मतलब मेरा कहना है कि मैंने आर्मर सिर्फ इसीलिए उतारा क्योंकि वो मेरे को मार पाए जल्दी, ठीक है। आर्मर रहता तो मेरे को मार नहीं पाता, ऐसे गलत मत सोचना कुछ, ठीक है डोडो। बट फिर भी मैं, तुम लोग मेरे को मारो, उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ए देखो गाइस हैरी ने चीटिंग की भाई डोडो को, हाँ डोडो मार साले को, छोड़ना मत चीटिंग की। ए भाई पेट्रो भाई तू क्यों मेरे को परेशान कर रहा है, ओ मेरे टेरानोडॉन, मैंने क्या किया भाई टेरो टेरा। ओ भाई मैं नहीं देख सकता गाइस, ये बहुत दर्द हुआ होगा उसको, शिट। गाइस तुम लोग भी आंखें बंद कर लो भाई, ये देखो मारते मारते टट्टी गला है। ओ भाई मार डोडो मार उसको, तेरे भाई को मारा उसने, छोड़ना, हार्वेस्ट भी कर उसको, हार्वेस्ट भी कर। ए मेरे को क्यों मार रहा है भाई, मैं देख डोडो तेरी अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ डोडो में, डोडो प्लीज डोडो मुझे, मैं तेरे को मार दूंगा डोडो, डोडो मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ डोडो, तुझे देखना मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ कि नहीं। अच्छा मैं तेरे को दिखाऊँ फिर, ये देख मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये देख डोडो मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ साले, ये देख डोडो भाई मेरे को मार मत, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बता रहा हूँ ना यार मैं, ये देख आ तेरे को काट दूंगा डोडो, डोडो प्लीज मत मार भाई, तेरे को तेरी डैडा डैडा कसम भाई, प्लीज मेरे को मत मार प्लीज। अबे ओ भाई सीरियसली लिया इसने तो, ओ भाई साहब इसने तो सीरियसली लिया, हाँ शाबाश। गाइज ये तुम लोग देख रहे हो, मतलब डोडो में भी मन होता है, इस गेम के डोडो में भी मन होता है, शाबाश डोडो वाइपर को मारने के लिए। अब एक काम कर, राहुल और एनी को भी मार दे और मेरे पास आ जा। ए मेरे को क्यों मार रहा है भाई, उनको मारना है भाई, 50 रुपये ज़्यादा दूंगा तेरे को भाई। अच्छा ले भाई पीछे से मार दे मेरी। ए भाई कितना सीरियस ले लिया इसने। सो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, मेक श्योर कि आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आज का जो थीम था डोडो रंबल था आपको कैसा लगा, बिकॉज आपका ओपिनियन जानना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और लो भाई इसने नेम देखो क्या है, कोकिला बैन भाई, क्या प्रॉब्लम भाई टेरनडॉन तेरे को, मैं भाई एक डोडो ही तो नॉक किया भाई, इतना परेशान किया इसने, एक नॉक नहीं कर सकता मैं इसको। एंड हाँ जिन लोगों ने अब तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, बहुत जल्द वहाँ पे हम लोग 1K हिट करने वाले, तो भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, इतना भाई इसने मेरी मार दी पूरी, इसको मारने बोला इसने सच में मार दी मेरी, और भाई यार इसने मेरे को बहुत परेशान किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे भाई सभी लोग मेरे खून के प्यासे बिकॉज मैं इनके डोडो को मार रहा हूँ, लेकिन वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, इतना परेशान किया मेरे को। एंड हाँ ये लोग मेरे को मार दे उससे पहले, चलिए तुम लोग बाय बाय भी बोल देता, तो चले गाइस बाय बाय। और ये तो गया। मेरी तो गई किस्मत सा, उल्टी टोपी वाला ले गया मेरे जिगर के हीरे को, कहने को है बातें सो पर छोड़ो अब रहने को, बस इतना ही बोलूंगा, पलट गया खेल का बस।